बुढ़िया माई मंदिर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि जल संरक्षण के कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। बुढ़िया माता के इस पुराने पोखरे की जीर्णोद्धार की कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि जल संरक्षण आज की आवश्यकता है। हम लोगों को सतह के पानी के प्रयोग के साथ साथ बरसात के पानी को संचय करने के लिए कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत तालाब योजना में हर ग्राम पंचायत में पुराने तालाबों को ठीक कराने की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी भवनों में भी रेन हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कर वर्षा के जल को संचय करने की आवश्यकता है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, दोनों चीजें यहाँ पर एक साथ चल रही हैं। यह गोरखपुर का एक पौराणिक स्थान है, शक्ति का स्थान है, आदिशक्ति माँ भगवती उनका बुढ़िया माई के रूप में यहाँ पर विराजमान है। यहाँ के सुंदरीकरण की योजना हम लोगों ने राज्य सरकार के उसमें ली थी और ये कार्य यहाँ पे संपन्न हुआ। इसका लोकार्पण के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जल संचयन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्देश और इस संबंध में अपील देश के सभी ग्राम प्रधानों के साथ साथ सभी राज्य सरकारों से भी की थी और उसी क्रम में आज हम सब यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे जो पुराना पोखरा था, तालाब था, और पोखरे भर चुका था, उसके फिर से पुनरुद्धार की कार्रवाई यहाँ पर प्रारंभ की गई है। यद्यपि रात्रि से यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पानी बरस रहा है, लेकिन जल संरक्षण आज की आवश्यकता है। इसमें हम लोगों ने दोनों प्रकार का कार्यक्रम तय किया है। एक जो हमारे पास सरफेस वाटर है, इसका हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, सदुपयोग हो इसका, और इसमें सिंचाई के लिए भी जो साधन है उसमें हम ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देकर के अधिक से अधिक क्षेत्र को सिंचन की क्षमता दे सकें। दूसरी तरफ बरसात के पानी को संचयन के लिए जगह जगह मनरेगा के अंतर्गत तालाब खुदवाने की व्यवस्था, इसके अलावा खेत तालाब योजना में 8000 से अधिक तालाब हमने बुंदेलखंड और अन्य उन क्षेत्रों में जो किसी प्रकार से सूखा क्षेत्र थे वहाँ पर खुदवाने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही हर ग्राम पंचायत में भी जितने भी पुराने तालाब और पोखरे थे मनरेगा के अंतर्गत और श्रम दान से इन योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके, यह कार्यक्रम भी यहाँ पर तैयार करने का एक प्रयास हुआ है। और जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जहाँ एक ओर जल संरक्षण के लिए आम जन का सहयोग, वहीं सरकारी संस्थाओं के लिए भी कहा गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें, चाहे वह सरकारी भवन कोई भी बने। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी हमें व्यवस्था किए हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी जितना भी वर्षा का जल हो उसकी छत और आसपास का जो जल हो उसको भी हम संचयन करने की व्यवस्था करें, क्योंकि यह अमूल्य है और जल ही जीवन है। उसके संचयन के साथ साथ आने वाले समय में हर एक घर तक जल का पानी एक जल नल के माध्यम से हर घर तक पहुंचाया जा सके, प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है। उस संकल्प को जल संचयन के इस कार्यक्रम को एक आंदोलन के रूप में लेना चाहिए और इस आंदोलन में सब सहभागी बने। आज इंद्र भगवान स्वयं भी इस बात से प्रसन्न है और ये भारी बारिश यहाँ पर पड़ रही है, लेकिन इस जल के संचयन की व्यवस्था हमें करनी चाहिए और तालाब और पोखरों को खुदवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह बुढ़िया माई का ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ है। मैं विश्वास करूँगा कि हर ग्राम पंचायत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए।